नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म स्पीकिंग ट्री का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। एक बार फिर हम अपने फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हमारे इस फेसबुक लाइव में सीधा जुड़ रहे हैं इस्कॉन के आध्यात्मिक गुरु अमोक लीला प्रभु जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस फेसबुक लाइव में। जैसा कि आपको हमारा विषय पता है, मैं अपने दर्शकों को भी हमारा विषय बता देना चाहती हूँ। आप सभी से कनेक्ट करता हुआ है कहीं ना कहीं ये विषय कि दुष्ट एवं हठी प्रवृत्ति के लोगों से कैसे बैठाएं सामंजस्य। आप सभी को अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में, ऑफिस में, घर में कहीं ना कहीं ऐसे लोग जरूर मिलते होंगे और आप परेशान हो जाते होंगे कि अरे भाई कैसे करें, इनके साथ कैसे बैठाएं, क्योंकि हमको बातचीत तो जारी रखनी पड़ेगी। तो आज गुरु जी आपकी इन सारी समस्याओं का, सारे सवालों का हल लेकर हाजिर हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए और हम गुरु जी से आपके सवाल लेंगे। तो गुरु जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दुष्टता क्या है, दुष्टता को आप कैसे परिभाषित करेंगे? हाँ, एक्चुअली वैसे तो ये दुनिया की रिलेटिव वर्ल्ड है, इसलिए यहाँ दुष्टता भी रिलेटिव होती है। ऐसे नहीं कोई व्यक्ति जो है द सोल कोर वो दुष्ट ही है। और कभी कभी लोग हमें दुष्ट इसलिए लगते हैं, हमारा केमिस्ट्री मिसमैच है उनके साथ, जिससे हम कंक्लूड करते हैं ये दुष्ट है और मैं तो देवता हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, मन भेद हैं या मतभेद हैं, तो हम सामने वाले को दुष्ट मानते हैं। और कभी कभी व्यक्ति होता तो अच्छा है, लेकिन ना परिस्थितियां उसको दुष्टता में एक्ट करने के लिए मजबूर कर देती हैं, तो इसलिए व्यक्ति दुष्ट होने का कार्य करना पड़ता है उसको। सो दैट इज, दुष्टता जो है काफी हद तक रिलेटिव भी है। ऑफकोर्स कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हार्ड कोर दुष्ट भी होते हैं, दे कैन नॉट बी रेक्टिफाइड एट ऑल। लेकिन हाँ, जो दुष्ट व्यक्ति है जो कि दूसरों को हर्ट करता है, दूसरों को दुख देता है, हमें बात समझनी है, हर्ट पीपल यानी दुखियारी आत्माएं ही दूसरों को दुखी करती हैं। कभी ऐसा नहीं जो बहुत ही खुश होगा, बड़ा बिंदास होगा, एकदम झकास होगा और वो जो दूसरे लोगों को जाकर दुखी कर रहा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो उसके कोर को छूने का प्रयास करना चाहिए कि उसके कोर में, उसकी चेतना में क्या है जो कि उसको बहुत दुखी करके रखा हुआ है। अगर हम उसको छू सकें, उसके उस दुख को, और उसको क्योर कर सकें, उसको हेल्प कर सकें कि उस दुख से बाहर आ सके, एंड यू कैन बी अ हैप्पी पर्सन एंड हैप्पी पीपल मेक अदर्स आल्सो हैप्पी, अगर हम ये कर सकें देन सर्टेनली दैट इज द बेस्ट। लेकिन अगर इम्पॉसिबल सिचुएशन है और मेरी टॉलरेंस लेवल इतना नहीं है, मैं इतना बड़ा अभी संत नहीं बना हूँ या बनी हूँ, तो फिर ना फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और जितना मिनिमम रिक्वायर्ड इंटरेक्शन है सिर्फ उतनी ही रखनी चाहिए। किसी की हेल्प लेनी चाहिए कि ना आप थोड़ा उसको काउंसलिंग करिए, मैं तो काउंसलिंग नहीं कर पा रहा, तो आप उसी काउंसलिंग कर लीजिए। सो इस तरह से करना चाहिए। जैसे दशरथ जी को करना चाहिए था, जो कैकेयी थी उनकी काउंसलिंग करने खुद नहीं जाना चाहिए था। जब दशरथ जी आए थे, दशरथ जी खड़े हुए थे, कैकेयी जी लेटी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद जो उनकी बातचीत हुई तो दशरथ जी लेटे हुए थे, कैकेयी जी खड़ी हुई। तो ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो दशरथ जी थे वो अभी काउंसलिंग करने के हालत में नहीं थे। तो उनको क्या करना चाहिए था, वशिष्ठ मुनि को बुलाना चाहिए था कि आप बड़ी काउंसलिंग कर दो जी, हम तो काउंसलिंग कर नहीं पाएंगे, बड़े दुष्ट हो रखी है हमारी कैकेयी जी। तो इसीलिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति की हेल्प भी लेनी चाहिए कि सामने वाले की दुष्टता को थोड़ा कम कर सकें। पर यस, एज आई टोल्ड यू, एवरीथिंग इज टेम्परेरी, सो इवन दुष्टता भी जो है व्यक्ति की टेम्परेरी होती है। अंगुली मार भी एक दिन संत बनता है। सो इस होप के साथ जो है हमें हेल्प करने का प्रयास करना। अच्छा गुरु जी, यहाँ पे मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है आपके साथ, आपसे, कि कई लोग होते हैं जो जिनको परिस्थिति दुष्ट बना देती है, जो खराब बना देती है, लेकिन कई लोग होते हैं उनको मजा आता है, उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी उनको बहुत मजा आता है, तो ऐसे लोगों से कैसे डील करें? देखिए, अगर ऐसा हो इलाज की ना, आप और मैं पंजा लड़ाया गया, ठीक है, और पंजा लादे लादे ना, मैंने ना हाथ बहुत ढीला छोड़ दिया, और आपने ना, और आप हाथ ऐसे से किया जा रहे हो, और आप कहोगे कि हम प्रभु जी आप कर क्यों नहीं रहे, आप जोर लगाओ ना कुछ, तो पंजा लाने में कुछ मजा आए, लेकिन मैंने ना हाथ ढीला छोड़ा तो ऐसे हाथ ढीला, अरे आप हो गए छोड़, आपसे तो पंजा लगाना ही बेकार, ऐसे हो रहा है। तो सामने वाला दुष्टता का रस तब लेता है जब आप उससे दुखी हो जाते हो, जब आप अपनी हताशा में आ जाते हो, अपने सारे जीवन की उत्साह को खो बैठते हो, यही उसका आनंद है। लेकिन आप अगर ऐसे हो गए कि ना यू आर इंडिफरेंट, ना तो आप में कोई रोमांच आया, ना आप दुखी हुए, और आप ऐसे स्टोन हो गए, कहते हैं भाई यार इसके साथ ना दुष्टता करने का रस ही नहीं आता, तो स्टोन ही हो जाता है, छोड़ा, यू कांट बी माय रेसिपिएंट ऑफ माय दुष्टता, लेट मी फाइंड समवन एल्स। तो इसीलिए ये बिल्कुल वैसे ही है रेसिप्रोकेशन का, दुष्टता में भी रेसिप्रोकेशन चाहिए, अगर वो नहीं होगी तो दुष्ट व्यक्ति कहेगा लेट मी फाइंड समवन एल्स। ओके, तो सामंजस्य की बात अगर हम करें तो कई लोग होते हैं वो दुष्ट होते हैं, लेकिन दूसरे जो लोग होते हैं वो हट ही होते हैं। हट की जहाँ बात आती है कि नहीं भाई मैंने तो यही करना है, मेरा तो ये व्यवहार ही है, मैं जरा भी नहीं झुकूंगा, तो ऐसे लोगों का हम क्या करें? अगर सामने वाला बहुत हटी है तो हमको वहां से हट जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, जैसे पहाड़ होते हैं बड़े हटी होते हैं, और नदी कहे कि मैं तो यहीं से बहूंगी, तो पहाड़ तो कहेगा जी मैं तो यहीं पर रहने वाला हूँ,
तो नदी कहती ठीक है फिर मैं ना यहाँ से बह जाती हूँ, और फिर ना वो यहाँ से बह जाती हूँ, और फिर इस तरह से नदी जाकर समुद्र से अपना रास्ता बना ले। इस तरह से अगर हम भी अगर प्रभु से मिलना चाहते हैं या आनंद से मिलना चाहते हैं तो ऐसे हठी लोग हमारे जीवन में आएंगे। हठी लोगों के आगे ना हठी नहीं होना, हठी लोगों के आगे जो है हट जाना चाहिए, ठीक है जी आप जिंदाबाद हम चलते हैं। लेकिन गुरु जी प्रैक्टिकल अगर लाइफ की बात करें हम, कई दफा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, ऑफिस में कई लोग ऐसे होते हैं, स्कूल में होते हैं, घर में गृहिणियों को भी ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है, तो वहां पर वहां हमें रास्ता नहीं मिलता कई दफा कि हम रास्ता अपना निकाल के आगे बढ़ चले। एक्चुअली रास्ता निकालना मतलब उस व्यक्ति को डॉज नहीं करना, उस इश्यू को डॉज कर देना। हाँ हम कभी इश्यू में फंस जाते हैं, और इश्यू में फंसने का मतलब है अब क्या सही है क्या गलत है वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। अब मेरे लिए जरूरी है कि ना जीतूंगा मैं, हारेगी तू या हारेगा तू। अब ये जो है ना इसको लेट गो करना चाहिए, इसमें ईगो में नहीं फंसना चाहिए। ईगो इज सच अ ट्रिप विच गोज नो वेयर, कहते हैं इंग्लिश पर्सन इज नॉट ईगो। तो ना हम इश्यू में फंस जाते हैं, तुम्हारा मन जो है वो इश्यू में फंस गया कि इश्यू में मेरी जीत होनी है, नहीं जी मेरी जीत नहीं होनी, ठीक है हम हारे, ठीक है आप जीते, मुझे जिंदगी में और ही बहुत कुछ करना है। गुरु जी हमारे साथ एक लाइव दर्शक जुड़ी है स्नेहा किरण, उनका सवाल ये क्रोध पे है कि आंतरिक क्रोध का स्थायी समाधान क्या है, क्योंकि क्रोध कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो है वो एक तरीके की हिंसा को भी जन्म देता है, एक तरीके का हमारा रूड बिहेवियर को भी जन्म देता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल उन्होंने किया है कि एक्चुअली अगर मैं तुरंत वाला एक अगर सोल्यूशन दूं, जब गुस्सा होने कम से कम बोलो नहीं, उस वक्त मुंह से लावा ही निकलेगा, मौन बड़ी चीज़ है। उस वक्त जो है ना ये ना भाई गुस्सा में से बहुत हूँ, बहुत अंगारे मेरे मन में आ रखे हैं, इसमें मुंह से भी लावा ही निकलेगा, तो मैं ना आपसे दो मिनट बाद बात करता हूँ, दो मिनट प्रभु का नाम ले लो, प्रभु थोड़े अंगारे शांत हो जाएं, सेंसिबली बोल पाऊँ। तो जब गुस्सा हो उस वक्त मुंह नहीं खोलना चाहिए। That's why they are saying when you are angry, dare not speak. Otherwise, you will give the best speech you are ever going to regret. Exactly. वो परसों होते हैं उस वक्त मुंह नहीं खोला था बस। इसका permanent solution जो है वो ये है कि हमें तीन attitudes होने हैं। गुस्सा किन लोगों को आता है? तीन तरह के लोगों का गुस्सा आता है। एक है control maniacs, जिनको नियंत्रण करने का शौक है। लोगों को नियंत्रण करना है, परिस्थिति को नियंत्रण करना है, चीजों को नियंत्रण करना है, नियंत्रण नियंत्रण control 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 control। लेकिन चीजें हमारे control में नहीं है, कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें हमारे control में नहीं है। जो चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है उनको कंट्रोल करने की जद्दोजहद में गुस्सा आता है। दूसरे हैं परफेक्शनिस्ट, यार हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, मेरी वाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे बच्चे परफेक्ट होने चाहिए, मेरी सैलरी परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, 10/10। हमारे एग्जाम में आके हमेशा 10/10 है, कभी 8/10 है, कभी 5/10 है, कभी 9/10 है, एक दो बार 10/10 भी आ गए। तो दैट मींस ये जो परफेक्शनिस्ट लोग हैं हो सकता है कुछ चीजें परफेक्टली कर लेकिन अल्टीमेटली ये लोग इतने फूके हुए, इतने दुखियारी आत्माएं होते हैं, माय गॉड। पर गुरु जी परफेक्शनिस्ट लोगों का एक पॉइंट ये भी होता है कि हम जब परफेक्ट हैं तो हम क्यों दूसरी चीजों को परफेक्ट नहीं चाहते हैं? एक्चुअली वो इम्परफेक्ट है। जिस व्यक्ति ने अपने सिस्टम में इम्परफेक्शन को इंक्लूड नहीं किया वो व्यक्ति इम्परफेक्ट है। अच्छा। इम्परफेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिस्टम। जो जिसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया वो व्यक्ति इम्परफेक्ट है, उसकी सोच ही इम्परफेक्ट है एक्चुअली। तो ऐसा व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, उसके बाहर अकम्प्लिशमेंट्स हैं लेकिन यहाँ पर टेंशन है, एंग्जाइटी है, नींद की गोलियां हैं, तो काहे की परफेक्शन नहीं बना। और तीसरे वो लोग हैं जो कि गुस्सा हो जाते हैं, वो है एंजॉयमेंट मैनियक्स, जिनको हर चीज मजा चाहिए, जॉब कर रहे हैं यार मजा आना चाहिए, खाएं तो मजा आना चाहिए, शादी करें मजा आना चाहिए, हर चीज मजा 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 लाइफ बन जाती है, सजा 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 सजा। तो ये तीन तरह के एटीट्यूड अगर हम छोड़ेंगे तो हमारा गुस्सा इमीडिएटली बहुत कम हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स बाय टेकिंग द होली नेम्स ऑफ गॉड हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी काम डाउन होती है, एंड वी बिकम फार मोर वी एक्चुअली बिकम कूल ड्यूड्स। एक नकली कूल ड्यूड्स भी होते हैं, उनको बोलते हैं रिग्लिस की चिंगम खाने वाले और एंटी फिट जीन्स पहनने वाले नकली कूल ड्यूड्स। हमें नकली कूल ड्यूड नहीं बनना, हमें हमारे एटीट्यूड में कूल ड्यूड बनना है। बट वी हैव टू गिव अप दीस थ्री एटीट्यूड्स एंड देन वी कैन बी रियली कूल ड्यूड्स। एंड ऑफ कोर्स प्रेयर्स टू द लॉर्ड, दे आर अल्टीमेटली वेरी वेरी सहजता भी आती है मुझे लगता है। यस यस बिल्कुल सही बात है। अच्छा गुरु जी कई लोग हैं जैसे मान लीजिए कि मुझे आपका व्यवहार या मुझे एक्स वाई जेड किसी का व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है तो मैंने उसे दुष्ट मान लिया, तो वो पैमाना क्या है? क्योंकि उसका भी एक अपना पक्ष होगा जरूर कि नहीं भाई मेरे लिए ये चीज मैं जस्टिफाई करता हूँ, वो अपनी उस दुष्टता को भी जस्टिफाई करेगा, तो हम ये कैसे पहचाने कि वाकई ये व्यक्ति दुष्ट है या मुझे लग रहा है या मैं अभी गुस्से में हूँ या मैं अभी परेशान हूँ दुखी हूँ इसलिए मुझे ये व्यक्ति दुष्ट लग रहा है? या इससे ना किसी चीज का एक हायर ओवरव्यू लेना बड़ा जरूरी होता है। एक तो हम चीजों को ऐसे नहीं देख पाते, जैसे कि अगर ये ऑफिस का नक्शा देखा जाए वैसे तो बना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें कोई ओवरव्यू दे देता है ना तो हमको पता चलता है ओके टोटल वैसे जगह है क्या। सो वो ओवरव्यू लेना बड़ा जरूरी है। इस संबंध में एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो मेरा खुद का पर्सनल हुआ है वो तब का है जब मेरी माँ मुझको चेस सिखाया करती थी। माई मदर विश चेस चैंपियन। तो एक समय मैं चेस बड़ा अच्छा खेल रहा था और मुझे लगा आज अपनी माँ को हरा दूंगा, मेरी माँ चैंपियन थी लेकिन मैं आज अपनी माँ से हार गया। तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा तो कैसा लग रहा है तो क्या खेल रहा है?
अपना बोर्ड देखा चेस का, गधा एकदम लल्लू की तरह खेल रहा हूँ मैं तो। किस तरह, तीन तरह से मेरी माँ मेरे को मार सकती है, हाथी से मार सकती है, घोड़े से मार सकती है, वजीर से मार सकती है। तो माँ कैसे ही मार दे, कहते मेरे बच्चे इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। तो एक डिफरेंट एंगल से जहाँ अपने आपको देखते हैं, सिचुएशन को देखते हैं, देन वी गेट मोर मैच्योर पर्सपेक्टिव ऑफ द एंटायर थिंग। तो इसीलिए हमें किसी व्यक्ति की हेल्प लेनी चाहिए, हीरा जी थोड़ी हेल्प करके, मुझको लग रहा है बहुत राड़ा वाड़ा हो रखा है लाइफ के अंदर, बहुत दिक्कत हो रखी है, आप थोड़ा बताइए। आप जाओगे देखिए, आप जी आप थोड़ा इस एंगल से तो देखिए, आप उसके अंदर दोष देख लो, लेकिन वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, अल्टीमेटली वो कितना हम्बल है, बेचारा अकेला भी तो है, ये भी तो है, तो वो एंगल जो है एक एक्सपर्ट की वजह से आ पाता है, देन वी बिकम कॉम डाउन, रीजन वी हैव मोर मैच्योर पर्सपेक्टिव टू द होल थिंग। गुरु जी आजकल 21वीं सदी चल रही है, लोग अपने अपने बिजनेस में, जॉब में, पढ़ाई में बिजी, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो लोग एक दूसरे को समझना मुझे लगता है भूल गए हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं ऑफिस आई या मैं घर गई, किसी रिश्तेदार ने अगर मुझे देख के स्माइल नहीं दी तो मुझे लगा नहीं मुझे देख के स्माइल क्यों नहीं दे रहा है, ये क्या मुझसे हटना चाह रहा है या बचना चाह रहा है, मुझे इग्नोर कर रहा है। ऐसे में फिर मेरे अंदर बहुत सारे विचार आ जाते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है बहुत सारी, तो उन सब चीज़ों से हम कैसे बचें, हम कैसे अपने आप को सकारात्मक रखें कि नहीं भाई उसका भी अपना एक मूड हो सकता है, नहीं उसका मन उसने शायद मुझे नहीं देखा हो। इसमें एक चीज़ है, हमें ना बेनिफिट और डाउट देना चाहिए। बेनिफिट और डाउट का मतलब होता है कि बेनिफिट देना, डाउट में ना बेनिफिट देना, उसको नेगेटिव नहीं जाना, पर बेनिफिट देना, नहीं नहीं उसमें कुछ कारण रहा होगा, जेन्युइन कारण रहा होगा, ये देना बहुत जरूरी है। सेकेंडली ना हमें जानना है कि ना हर व्यक्ति यूनिक है, देर आर पीपल हु मे नॉट बी बैड बट देर नॉट वेरी गुड इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, वो ऐसे ही रहते हैं, दुख हो तो भी हंसी, वो सुखी हो तो भी हंसी, बट देर बिकॉज देर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, एंड देर आर पीपल लाइक दैट, वो ये ना बड़ा एरोगेंट है, बड़ा रूड है, बड़ा अहंकारी है, तो बेचारा एरोगेंट रूड नहीं है वो ना, इट इज जस्ट दैट वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है। सो हर व्यक्ति एक्सप्रेसिव नहीं होता, सम पीपल दे आर वेरी इंट्रोवर्ट, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं बड़े सोशलाइज करने वाले, तो कुछ लोग बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, तो इसलिए हर एक का अपना एक स्वभाव है, तो उस यूनिकनेस को अगर हम समझेंगे तो भी हम किसी से फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, ठीक है वो गुड मॉर्निंग नहीं करता, कोई बात नहीं, हम जाए करेंगे गुड मॉर्निंग जी, ठीक हो आप, हमारे यहाँ हमारे मंदिर में गार्ड है वो ऐसा ही है, तो मैं जाकर सोचता हूँ हरे कृष्णा, ठीक हो आप जी साहब जी, सब अच्छा प्रभु जी। So that is some people are like that. So we have to understand that this world is full of unique people. We can't compare that कि ना हर व्यक्ति ऐसे ही होना चाहिए, मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरा पति ऐसे होना चाहिए। Everyone is unique. सुमन शर्मा हम ऐसे लाइव दर्शक जुड़े हैं, उन्होंने पूछा है कि जिंदगी में कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता, मुझे लगता है काफी परेशान है, तो हल लीजिए उनको। जिंदगी में इट इज नॉट दैट कि अच्छा, ऑफ कोर्स नो डाउट, क्योंकि तो वाकई में बहुत बुरा होता है, जैसे अभी पुलवामा का अटैक हुआ अमेरिका से, नहीं अच्छा हुआ एक तरह से, नहीं वाकई कुछ चीजें तो वाकई में बहुत बुरी होती है, या तो कुछ किसी लड़की के साथ अगर बुरा होता है, किसी कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, या कोई हमें बहुत गलत सुना देता है, बेवजह सुना देता है उसके बाद, तो सर्टली कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसा हो सकती हैं, दे आर वेरी वेरी बिटर एंड जेन्युइनली बिटर, पर सारी चीज़ें एकदम बिटर नहीं होती, प्रोवाइडेड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस की लाइफ में ना लेसन जो है इन अनपैलेटेबल सिचुएशन ही आते हैं। सक्सेस इज नॉट अ ग्रेट टीचर, फेलियर इज अ ग्रेट टीचर, जो जिस व्यक्ति ने फेलियर देखी हुई ना वो बहुत अच्छा टीचर बनेगा। हम बताते हैं जी क्या कैसी चीजें काम नहीं करती, फिर देन यू गेट अ पेव, यू गेट टू सी द पाथ व्हिच हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन, जब किसी ने पूछा कि आपने 500 बार बल्ब जलाने की कोशिश की नहीं जला तो कैसे लगा, तो उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने 500 वो तरीके सीखे जिससे बल्ब नहीं जलता। तो अगर इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे तो हम कई सारी जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं उनसे उबर पाएंगे, बिकॉज इट्स अ लर्निंग एटीट्यूड। तो लाइफ में या तो मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ, हारता नहीं सीखता हूँ, क्योंकि जो बुरा समय होता है वो सिखाता है। सक्सेस इज फॉर इंस्पिरेशन एंड डिफीट इज अ लर्निंग एपिसोड, इट्स फॉर इंस्पिरेशन, इट्स फॉर प्यूरिफिकेशन, लाइक दैट। जैसे बहुत घमंडी लोग जो होते हैं आपने देखा होगा, जो पिट जाते हैं ना, पैसा वैसा सब छिन गया, उनका बीवी भाग गई, बच्चे उनके उसका पूछते नहीं है, आज वो ऐसा हो गया, पर एक समय ताऊ जी की तरह चौड़ा होकर बैठता था, वो घमंड था। तो कभी कभी बुरी सिचुएशन आती है तो ना वो हमको विनम्र बनाने के लिए आती है, लेकिन ये अपना को जब देख नहीं पाता तो वो नास्तिक हो जाएगा, अनग्रेटफुल हो जाएगा, शाउटिंग, तो ऐसा हो जाएगा वो। तो इनको लर्निंग एपिसोड के रूप में देखेंगे अगर, डिफीट को, बुरे समय को, डार्कनेस को, ताकि मैं लाइट को और अच्छे से अप्रिशिएट कर सकूं, तो फिर हमको भी दुख नहीं होगा। अफकोर्स सम सिचुएशंस आर वेरी वेरी बैड, नॉट जनरली बैड, उसमें कुछ सीखने को नहीं होता, लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी होंगी जिनमें सीखने को बहुत कुछ है, प्रोवाइडेड वी हैव द एटीट्यूड ऑफ लर्निंग।
कई बार कहा जाता है कि अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, कहावत है ये, अक्सर होता भी है, कई लोगों के साथ होता है ऐसा। तो गुरु जी ऐसा क्यों है? वैसे ऐसा नहीं कि अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। एक तो ना अच्छे लोगों को कोशिश करनी चाहिए ना स्पिरिचुअल बने, सिर्फ अच्छा बनना काफी नहीं है। बिल्कुल, यू नो आई एम अ गुड गाय, आई एम अ गुड गर्ल, जब सिचुएशन बदलेगी तो ही विल बिकम बैड गाय, बैड गर्ल, आई एम अ कंप्लेन बॉय, आई एम अ कंप्लेन गर्ल, जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, बुरे लोग जहाँ पड़े हमेशा खुशी खुश है। हम देखा कि बुरे लोग हैं लेकिन अकेले में वो भी डिप्रेस लोग हैं, टेंशन में हैं, दारू वारू पीते हैं, सिगरेट फूकते हैं। आप देखोगे ऑफिस में स्मोकिंग जोन होती हैं, वहाँ जाके बेसिकली वो अपने खोखलेपन को धुएं से भरने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो बुरे लोग हैं वो बड़े खुश हैं और जो अच्छे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। जो बुरे लोग हैं उनके अपने संघर्ष हैं और जो खुश लोग हैं उनको स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके। थोड़ा प्रकाश डालिए गुरुजी कि कैसे हम अच्छे हैं, ऑन द अदर हैंड हम स्पिरिचुअल भी। स्पिरिचुअल का मतलब कि ना गॉड कनेक्शन, ये जो भगवान के साथ जो संबंध होना है, इट बिकम्स डिविनिटी इन लाइफ। अच्छे लोग होते हैं शरीफ आदमी है, किसी का बुरा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ये अच्छा आदमी है, बड़ा सोना बच्चा जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सिचुएशन थोड़ी ऊपर नीचे अगर लाइफ में हुई, इसने तो सच बोला लेकिन प्रमोशन किसी और की हुई, इसने बड़ी मेहनत की लेकिन कोई और आगे बढ़ गया, फिर खून में दोबारा आ जाते हैं ना, यानी कि इसकी अच्छाई बड़ी सुपरफिशियल है। राइट, इसकी अच्छाई बड़ी सुपरफिशियल है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि अच्छे लोग हमेशा सफर करते हैं, बड़ा दुख पाते हैं। अच्छे लोगों को ना अपना ये भी समझना है लाइफ में डुअलिटीज रहेंगी। इस तरह सर्दी और गर्मी डुअलिटी है, यश और अपयश ये डुअलिटी है, सुख और दुख ये डुअलिटी है, लाभ और हानि ये डुअलिटी है। इसे भगवान गीता के अंदर कहे हैं अर्जुन, ये डुअलिटीज है इसके परे जाओ, ये डुअलिटीज हमारी लाइफ में रहेंगी। जैसे कि राजा था, उसने मंत्री को बोला मुझे एक ऐसी चीज हो जिसको देखने के बाद जब मैं खुश हूँ तो दुखी हो जाऊँ, जो दुखी हो तो सुखी हो जाऊँ। तो मंत्री ने उसको एक अंगूठी दी, उस पर लिखा था ये समय बीत जाएगा, जो सुखी है मैं कहूँ ये समय बीत जाएगा दुखी हो जाएगा, और अगर दुखी है मैं वही समय बीत जाएगा खुश हो जाएगा। पॉइंट इज दैट ये सुख और दुख ये डुअलिटीज है लाइफ की। तो कभी हम इससे फंसते हैं, कभी हम इससे फंसते हैं, हम दोनों में नहीं फंसा जानते हुए, ये भी टेम्परेरी है, ये भी टेम्परेरी है, ये दोनों आएंगे चले जाएंगे, चलने का नाम चलती का नाम गाड़ी है ना। तो जिंदगी जो है चलने के लिए थमने के लिए, तो अच्छे लोगों की बात समझने की डुअलिटीज रहेंगी। अच्छी सिचुएशंस में अच्छे लोग अच्छे अच्छे रहते हैं लेकिन बुरी सिचुएशन में फिर हमें कलर बदल भी लेते हैं, डुअलिटीज से परे जाएंगे, तब अच्छा क्या हो जाएगा फिर डिवाइन हो जाएगा। तो हमें डिविनिटी को टारगेट करना चाहिए, तो हमें एक अच्छा इंसान नहीं बनना। आप कहेंगे क्या बोल रहे आप, हमें अच्छा इंसान नहीं बनना, मैं कहूँगा ना हमें अच्छा इंसान नहीं बनना, हमें प्रभु का एक अच्छा भक्त बनना। बिल्कुल, अब जो प्रभु का एक अच्छा भक्त है उसके अंदर एक अच्छा इंसान ऑटोमेटिकली, उसको एक अलग से अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं करनी। एक अच्छा भक्त जो है भगवान का, उसके अंदर अच्छा इंसान ऑटोमेटिकली। एक कहानी पढ़ी थी गुरुजी मैंने कि एक डाकू था, वो क्या करता था कि सारे गांव से चोरी करके कुछ रुपए चोरी करके लूटपाट करके मारता भी था लोगों को, और फिर साल में एक बार जो नवदुर्गे आती है उसमें भंडारा करवाता था, सबको खाना खिलवाता था। तो प्रभु का तो बहुत बड़ा भक्त था वो, लेकिन चूंकि वो चोरी करता था तो उसके पाप कर्म थे वो। तो फिर हम कैसे फर्क करें कि भाई ये बहुत बड़ा भक्त है लेकिन ये तो पाप भी कर रहा है। आपने सुना होगा ना एक कहावत है, 100-100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हाँ, ये बिल्कुल वैसी ही कुछ सिचुएशन है। लेकिन अच्छी बात है कि ना 100-100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को ही गई, वो और 100-100 चूहे खाने के लिए नहीं निकल गई, ये अच्छी बात है। राइट, तो इसीलिए कुछ लोग नो डाउट बदमाश होते हैं, ठीक है, उनके अंदर चरित्र में कुछ लेफ्ट राइट है बेचारों के, लेकिन वो कुछ ना कुछ अच्छा भी कर रहे होते हैं। जैसे आपने कहा कि मान लो किसी दुर्गा माँ के यहाँ दान दे रहा है, या फिर मान लो प्रभु का भक्त बन गया वो, लेकिन अभी भी झूठ बोल देता है कभी, उसका कहना है कि किसी थोड़ा लेफ्ट राइट चक्कर वक्कर भी है, किसी को लाइन मारता है, किसी को स्क्वायर मारता है, ठीक है, वो करता है बेचारा। लेकिन क्योंकि उसका अच्छा कनेक्शन है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी बुराई जो चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बीमार होते हैं तो पैरास्टामोल मैं खा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी में पैरास्टामोल भी है, क्रोसिन भी है, और साथ ही बीमार भी हूँ, टेम्परेचर भी। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, क्रोसिन या पैरास्टामोल का असर और धीरे धीरे जो बीमारी कम होती चली जाएगी। उस तरह से जो लोग इस तरह के काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन कभी कभी अकेले में गलत काम भी कर बैठते हैं, तो वो क्या धीरे धीरे जो उनकी जो डिविनिटी है उनके अंदर, जो भक्ति है भगवान के प्रति, वो फिर वो बुराई को जो है काटना शुरू कर देगी। सो ना ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनको बाद पछतावा भी होगा, कहते हैं यार वो भी क्या समय था ना, गधा आदमी था यार, मैं क्या कर रहा था, मैं वाकई में क्या, वो भी क्या दिन थे, एकदम लल्लू लाल आदमी था मैं, अपने आप को पूछेगा भविष्य में जाकर के वो। सो इसीलिए मीनवाइल ऐसा होता है, पैरास्टामोल भी है, अच्छाई भी चल रही है, और बुखार भी है, नहीं बुराई भी है, दोनों दे आर पैरेलली एग्जिस्टिंग, बट ग्रेजुअली द गुडनेस विल कॉन्कर, प्रोवाइडेड ही कीप्स एसोसिएटिंग विद दोज हु आर एक्चुअली गुड। इससे अच्छी संगत रखना बहुत जरूरी है। अच्छा इंसान कैसे बनेगा? अगर अच्छा इंसान बनना ही नहीं, नहीं बनना, भगवान का भक्त बनना है। जो भगवान के भक्त होते हैं, हरि के भक्त होते हैं, उनमें अच्छा इंसान ऑटोमेटिकली। यस, ये एक दर्शक का सवाल था। एक और हमारे दर्शक ने पूछा है, लक्ष्मण जी ने, और पूछ रहे हैं कि
स्ट्रेस को कैसे कम करें? स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं? तो स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, स्ट्रेस के कई सारे कारण हैं। एक तो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, उसके वजह से स्ट्रेस आता है, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच में बहुत सारा गैप है, उस वजह से स्ट्रेस आता है। दूसरा है स्ट्रेस क्यों आता है, स्ट्रेस आता है ऐसे लोगों का संग करके जो कि स्ट्रेस में रहते हैं। ये लोग अपना स्ट्रेस आपको दे देते हैं, यार तू शांत कैसे है, थोड़ा हमारा स्ट्रेस ले रहे ये दे देंगे, तो ये आप इनके संग में आकर के यू ऑल्सो बिकम स्ट्रेसफुल। साथ ही लाइफ के अंदर एक मीनिंगफुल गोल होना बहुत जरूरी है। मैंने से गोल इट डजंट मीन जस्ट वर्ल्डली गोल कि मुझे प्रमोशन लेनी है या मुझे इससे शादी करनी है, ये तो लाइफ में लगा रहता है, बट वन शुड हैव सम गोल इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज, ऐसे गोल भी होने चाहिए लाइफ के अंदर, तो भी जो है स्ट्रेस को हम कॉन्कर कर सकते हैं। और साथ ही जब हम स्ट्रेस में हों तो किसी साथ दिल शेयर करना चाहिए, जब हम दिल शेयर नहीं करते तो फिर दिक्कत होती है। एक कहावत है, दिल जो खोला होता यारों से नहीं खोलना पड़ता आज औजारों से। तो ना किसी ऐसा एक मैच्योर यार होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए मेरा, या दिल की बात सुन गया, बहुत टेंशन लाइफ है, थोड़ा शेयर करना है। शेयर करने से ही ना आधा स्ट्रेस तो वहीं कम हो जाता है भाई। और एक और चीज़ हमें समझ नहीं है, जब हम स्ट्रेस में नहीं होते तो हम क्या करते हैं, तब तो हम मस्ती घोरी कर रहे होते हैं भाई। ऑफ द स्ट्रेस क्या हम कुछ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ अच्छी डिवाइन बुक्स पढ़ते हैं, लाइक भगवद गीता ऐसा पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते नहीं वो नहीं पढ़ते, सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं, सैड सॉन्ग्स पढ़ेंगे, ए दिल है मुश्किल ये वो माय गॉड। तो जब हम ऑफ द स्ट्रेस होते हैं तब तो हम मस्ती खोर हो जाते हैं, थोड़ा सा भक्ति खोरी अगर कर लेना अगर मस्ती खोरी के साथ साथ, तो जब स्ट्रेस आएगा ना उसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। हम प्रिपेयर ही नहीं होते लाइफ में स्ट्रेस को लेने के लिए, कि स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, या हम तो मस्ती में चल रहे हैं स्ट्रेस आ गया और गए काम से जी। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑफ द स्ट्रेस व्हेन वी आर देयर एक्चुअली वी शुड डू सम मेडिटेशन, वी शुड डू सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी, हरि की भक्ति करनी चाहिए, प्रभु की भक्ति करें, तो क्या होगा स्ट्रेस वाला स्ट्रेस आएगा तो कहेंगे स्ट्रेस रेडी चल जाए। So then we can manage the stress. अच्छा गुरुजी, अगर कोई जानबूझ के हमारा दिल दुखाए तब हमें क्या करना चाहिए? इग्नोर कर देना चाहिए। उससे क्या होगा? इग्नोर करने से ना उसका चाहे कुछ होना हो एटलीस्ट यू विल बी पीसफुल। हम जानते नहीं व्यक्ति जानबूझ के हर्ट करता है, कहते हैं यार इसमें ना इसका रिमोट जो है, इसका रिमोट था है मेरा, ठीक है वो जानबूझ करे या ना करे रिमोट इसके पास है मेरा, लेकिन रिमोट का तब तक काम करता है ना यहाँ सेंसर लगा हुआ है, और जब बटन दबाता है तो दिक्कतें हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, ये ना सर्किट को यहाँ से थोड़ा खोल के ना ये सर्किट निकाल दो, दैट मींस आई एम डिटैच्ड फ्रॉम दिस पर्सन। अब ये बटन दबाते रहे कुछ हो ही नहीं रहा, नथिंग विल हैपन, रीजन नहीं, मैंने सेंसर ही निकाल दिया। लेकिन गुरुजी गीता में तो ये कहा गया है कि अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है और अगर आप उस चीज को सहन कर रहे हैं तो आप उससे ज्यादा बड़े पापी हैं। भगवद गीता में ऐसा नहीं लिखा, भगवान ने तो बोला है डिटैच हो जाओ, इन द सेंस लाइक ही टेल्स अर्जुना, ओ अर्जुना डेवलप अ हायर टेस्ट। हायर टेस्ट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर पानी है और ये मैंगो शेक, ठीक है अगर मुझे किसी ने दिया है पानी दिया, मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मैं पानी पी रहा हूँ, और मुझे क्या कोई यार पानी छोड़ दे यार मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, देखो बोले अरे सर मैंगो शेक आगे सर मैंगो शेक पियेंगे, अरे वाई नॉट जी इसको अब रखो ये मैंगो शेक पियेंगे हम तो जी, नाउ दिस हायर टेस्ट। सो इसीलिए लाइफ में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अक्सर बटन दबा करके मेरी ऐसी तैसी कर देते हैं, सर मैं ना हायर टेस्ट को यहाँ रखा हूँ, मैं ना लोअर टेस्ट को तो जी यहाँ रख रहा हूँ, अब बटन दबाते रहो मेरी कविताएं कोई नहीं गाता, ये तुकाराम जी से बड़ी कविताएं गाते हैं। सो उसने एक बार कांटे वाली छड़ी ली और उसने ना तुकाराम जी के घर पे गया, उसने तुकाराम जी को इतना मारा मार करके लहू लुहान कर दिया, तो तुकाराम जी जो है वहाँ बेहोश हो गए, इतना मारा उसने और संटी वहाँ पटकी उसने गुस्से से और चला गया घर की ओर। तो तुकाराम जी जो गुस्सा बाद में घर पे आए, उसने कहा मैं आपसे ना माफ़ी मांग ही रहा हूँ, तुकाराम जी आप किस मिट्टी के बने हो, मैं आपके घर आके आपको मारा और आप मुझसे माफ़ी मांग ही रहे हैं, ये मुझे करना चाहिए और आप कर रहे हो। तुकाराम जी ने कहा मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ जिसकी वजह से आपको इतना करना पड़ा कि आपने मेरे को आपको पीटना पड़ा, मैंने ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया हुआ, आप मुझको माफ़ कर दो। वो सामने वाला व्यक्ति हुआ एनवियस ऑफ तुकाराम जी, ही वाज कंप्लीटली मेलो डाउन, मेल्ट हो गया वो, पिघल गया वो, उसने तुकाराम जी के पाँव पकड़ लिए, या तुकाराम जी आप में एटीट्यूड कहाँ से आया, कहते सब मेरे विट्ठल जी मेरे ठाकुर जी देने वाले, नाउ बिकॉज ही इज एक्सपीरियंसिंग द हायर टेस्ट। तो ना ये लाइफ में हर्ट करना ना दिस वाज बीटिंग समवन विद अ थॉर्नी स्टिक इज एक्सट्रीम, पर इसके बावजूद ही तुकाराम जी का जो कि हायर टेस्ट है लाइफ के अंदर, तो ये ना लोअर टेस्ट वाला व्यक्ति वो हिला नहीं पाया। तो लाइफ में लोगों की लाइफ में क्या मिसिंग है, लोगों की लाइफ में हायर टेस्ट मिसिंग है एक्चुअली, तो लोअर टेस्ट से जो है हम जूझते रहते हैं, छोड़े ना छोड़े फिर पकड़ लें,
जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, लोग नहीं छोड़ पाते। लेकिन कौशिक मुझे लगता है कि तुकाराम जी के साथ जिन्होंने गलत किया, जिन्होंने उनको पीटा, वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं अच्छे इंसान रहे होंगे कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, उन्होंने माना फाइनली कि हाँ मैंने आपके साथ गलत किया है, तभी भी आप इतने बड़प्पन है आपका कि आप मुझसे माफी मांग रहे। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, वो उल्टा हमारा ही मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में मैंने बताया जैसे कि ना बिकॉज ही बिकम डिटैच्ड, ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग यू नो वैसे माफी मांगे। सिमिलरली वी आल्सो बिकम डिटैच्ड। डिटैच होने का मतलब क्या है, सेंसर को यहाँ से निकाल करके यहाँ रख देना। वो सब तो करा जितने वहाँ से कराओ कि हमसे जाकर वहाँ करवाने से, तो एटलीस्ट ये है कि ना आप डिटैच तो हो ही सकते हैं। बिकॉज इसी बता दे कांट बी एजुकेटेड, दे कांट बी काउंसल, दे कांट बी रेक्टिफाइड। ओके जी, कि मेरे को लाइफ में और ही बहुत कुछ करना है। गुरु जी हट की बात आती है तो बच्चों की बात आती है, बच्चे काफी हटी होने लगे हैं आजकल के, तो अभिभावकों की बहुत सारी कंप्लेन आ रही है कि वो उनकी सुनते नहीं है, उनकी सलाह नहीं मानते, उनकी राय नहीं मानते, हम सिर्फ अपनी जो बात है वो उन पे थोपना चाहते हैं। तो ऐसे में उनके लिए उन अभिभावकों को आपकी क्या राय है कि वो कैसे अपने बच्चों को काउंसिल करें? एक्चुअली कई पेरेंट्स आते हैं ना बच्चे उनकी बात सुने, लेकिन अगर हम देखेंगे ना पेरेंट्स भी बच्चों की बात नहीं सुनते। तो जब पेरेंट्स जो है बच्चों की बात नहीं सुनते तो बच्चों को ना ट्रेनिंग होती है, अच्छा तो बात नहीं सुनना जो है ना ये भी एक कला है, हमने ये कला आपसे सीखी है। तो लेटर ऑन बच्चे भी सीख जाते हैं, कोई बात नहीं हमारी बातें सुनते हैं, हम भी आपकी बातें सुनेंगे। सेकंडली ना जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों में वैल्यूज नहीं डालते आज। सारे पेरेंट्स भाई सारे बेटा तू आज कंपटीशन में आगे बढ़, तू कुछ बन जा, तू पैसा कमा ले, दैट्स इट। वैल्यूज जो है माता पिता डाल ही रहे। बच्चा साधु हो जाए माता पिता को दिक्कत हो जाती है कि हमारा बच्चा साधु हो गया जी, कितने शर्म की बात है, पूरे घर का पूरा नाम मिट्टी में ला दिया। डाकू हो जाए हो गया, कहता है कोई नहीं, जब बच्चे की चॉइस थी चंबल में, उसको अपना ऑफिस खोलना था, उसने चंबल में ऑफिस खोल लिया, ठीक है, जैसी चॉइस है, करियर की बात याद रखते हैं, वो साधु ना हो डाकू हो जाए प्यार हो। तो कई पेरेंट्स जो है आजकल ऐसे हो गए, तो इसलिए वैल्यू ड्रिवन जो है एजुकेशन क्योंकि पेरेंट्स से नहीं है, इसीलिए बच्चे फिर ऐसे हो रहे हैं। बच्चों के अंदर बहुत इंक्यूसिटिवनेस है। हमारे बंदे में कहीं छोटे छोटे बच्चे आते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जी आप हैरान रह जाओगे। वन बॉय जस्ट 9 ईयर्स ओल्ड मेरे साथ बोलता है, प्रभु जी ये माया क्या होती है और माया में क्यों फंस जाते हैं? मैं कह रही तो अब तेरे दूध के दांत टूटे नहीं, तेरे को माया की चिंता हो रही है। द पॉइंट इज दैट दे हैव दिस इंक्यूसिटिवनेस, दे आस्क। अच्छा लेकिन हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं कि हम तो मंकी से आए, लेकिन मेरे पापा बोलते हैं हमारे तो गर्ग गोत्र है, हमारे तो कश्यप गोत्र है, तो फिर हमको वानर गोत्र नहीं बोलना चाहिए, हम तो वानर गोत्र है। ये बच्चा पूछता है, ये माँ से पूछेगा, माँ कहीं अब तो क्या क्या पूछ रहा है यार, चल पराठे का चुप रहे। तो पेरेंट्स क्योंकि एजुकेट नहीं करे, दे आर नॉट एक्टिंग लाइक देयर गुरु व्हिच दे शुड बी, तो फिर उनमें ना फिर वो रिस्पेक्ट चली जाती है। जब मेरे में फेथ है कि मेरे पापा के पास ना हर सवाल का जवाब है, माई फादर इज एन एनसाइक्लोपीडिया, माई मदर इज एन एनसाइक्लोपीडिया, तो जाएंगे और पूछेंगे पापा ये क्या होता है, पापा वो क्या होता है। पर पापा जो है हो गए खराब मार्क्स आए ब्लैक बेल्ट, तो फिर बस फिर बच्चों में क्या आएगा, फिर बच्चे अल्टीमेटली बिकम इनडिफरेंट। तो कहना कि ये पेरेंटिंग कमी है, जितने भी ये पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप है इसमें बच्चों की कमी नहीं है, गलती नहीं है इसमें, गलती पेरेंट्स की ही है, बिकॉज दे आर द शेल्टर। बट वक्त भी नहीं है, वही तो ये तो दिक्कत है, वक्त ही नहीं। एक बच्चा था अपने पिताजी से बोला, कहते पापा आपकी सैलरी कितनी है पापा? कहते पिताजी का बेटा मेरी सैलरी है 1,20,000 रुपये महीने की। वेरी गुड पापा, पापा फिर आपकी रोजी सैलरी कितनी है? बेटा 4,000 रुपये। पापा फिर आधे दिन की सैलरी कितनी है? बेटा 2,000 रुपये। पापा फिर आधे घंटे की सैलरी कितनी है? बेटा 500 रुपये। तो सब गुल्लक से 500 रुपये निकाल दी थी, पापा आधा घंटा मिल सकता है मेरे को? ओह माय गॉड, दैट्स सो सैड। तो ऐसे कई माता पिता हैं जो कि बच्चों को समय नहीं देते, या फिर क्या करेंगे उसे पकड़ा देंगे मोबाइल, कहते ले खेल ले डप मर, हमें भी जिंदगी जीने दे। और जब पेरेंट्स का ऐसा एटीट्यूड रहेगा व्हेन दे आर नॉट गिविंग टाइम, नॉट गिविंग एसोसिएशन, तो बच्चे फिर गंदी एसोसिएशन कहीं ना कहीं भी ढूंढ लेते हैं। फिर गंदी एसोसिएशन उसको बोलते, कहते अरे यार सुट्टा मार यार, सब टेंशन दूर हो जाएगी, तेरे माँ बाप का दुख तेरा सब दुख दूर हो जाएगा, मर देना पी ले यार, और क्या, अरे कमॉन यार लाइफ में सब एक्सपीरियंस करना चाहिए, कमॉन ये लेक दो थोड़ा सुट्टा मार, दो थोड़ा दारू वारू पी, सब सेट हो जाएगा। अब ये बुरी एसोसिएशन क्या कर रही है, इसको टाइम दे रही है, कहेगा चले माँ बाप टाइम तो नहीं देते, ये टाइम तो दे रहा है, चल ठीक है यार ट्राई करता हूँ, ये भी लग जाएगा अच्छा। सो इन दिस वे दे फॉल विक्टिम ऑफ बैड एसोसिएशन, क्योंकि माता पिता के पास टाइम ही नहीं, उनको लगता है बहुत सारे पैसे और फैसिलिटी देकर के बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग होगी ना, बाय गिविंग देम टाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आज पेरेंट्स नहीं दे रहे। बहुत आर बिजी मेकिंग मनी, करियर, एक को सीईओ बनना है, किसी को सीएफओ बनना है, किसी को चेयरमैन बनना है, क्या क्या बनना है, विदेश जाना है, ये करना वो करना, बस बच्चे बच्चे क्या कर सकते हैं जी। लेकिन मैं ये देखती हूँ गुरुजी, किसी को साइंटिस्ट बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, लेकिन किसी को कभी मैंने ये कहते हुए नहीं सुना कि मुझे पहले एक अच्छा इंसान बनना है। लोगों की ये थिंकिंग कहीं गायब हो गई है। वो इसलिए होगी ना, आज एनवायरमेंट ही ऐसा हो गया। बिल्कुल, आप बच्चों को बोला था कि देखो बेटा ये दुनिया भेड़ियों की दुनिया है, अगर तू यहाँ भेड़िया नहीं बनेगा तो लोग तुझे खा जाएंगे,
लोमड़ी बन, चलाक बन, कपटी बन, चलाक बन। अगर तेरे को जिंदगी दुनिया में जीना है बेटा, तेरे को बनना होगा। अगर तू ऐसे भोला भाला बन के रहेगा ना, यू बी फिनिश्ड, दुनिया खा जाएगी तेरे को। बाद में कंप्लेन करते हैं खुद। यस एग्जैक्टली। तो ये हम ही ने एनवायरमेंट क्रिएट किया है, हम ही उनके अंदर वैल्यूज नहीं लाते। हमारे यहाँ पर एक हमारे एक बहुत ही मिलियनेयर पर्सन, ही इज वेरी रिच पर्सन, वो अपने बेटे के अंदर वैल्यूज डाले। उन्होंने कहा बेटा हमें दुनिया को देना चाहिए, हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, हमसे कभी कोई कुछ मांगे हमें देना चाहिए। सो उसके बर्थडे पे उसको 1,00,000 रुपये देंगे, बेटा ये 1,00,000 रुपीज़ इज फॉर यू, और आप इसको जो है स्पेंड करना चाहो करो। जब बेटा 1,00,000 रुपये लेके चला जाएगा तो हमको कॉल कर देते हैं, कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे बेटे को मैंने 1,00,000 रुपये दिया, उससे ना 50,000 रुपये डोनेशन ले लो आप, ये उसका नंबर है, उसका बर्थडे आज, उसे 50,000 रुपये डोनेशन ले लो। और हम उसको कॉल करेंगे, उनका बेटा है ये, बहुत हम कहेंगे ना आज प्रसाद बांटना है, एमसीडीए कुछ बच्चों को 50,000 रुपीज़ डोनेशन मिल जाएंगे। हाँ प्रभु जी बिल्कुल। एंड यू वुड कम टू टेबल गिव 50,000 रुपीज़ आउट ऑफ हिज 1,00,000 रुपीज़ गिफ्ट व्हिच ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम हिज फादर। तो ये वैल्यू कौन दे रहा है? फादर दे रहा है उसके। और फादर से कहते हैं तू भगवद्गीता के फर्स्ट 6 चैप्टर्स पढ़ के रखियो, 3 दिन बाद मैं तेरे से ना डिबेट करूंगा, आई विल प्ले नास्तिक, तेरे को मुझे कन्विंस करना कि भगवान है बेस्ड ऑन भगवद्गीता, मैं सब आर्गुमेंट्स लेकर के आऊंगा, यू हैव टू डिफीट योर फादर। वो अच्छे से गीता पढ़ता है, माय गॉड 6 चैप्टर में क्या कर दिया हुआ है, नोट्स बनाएगा, हाउ आई विल कन्विंस माय फादर दैट गॉड एग्जिस्ट लॉजिकली एंड स्क्रिप्चुअली, आई विल कन्विंस माय फादर। 3 दिन बाद हिज फादर विल हैव डिबेट, फादर विल एक्ट लाइक एथियस्ट नास्तिक, एंड देन द सन विल डिफीट द फादर। और पिताजी खुश होते हैं, यस थैंक यू फॉर डिफीटिंग मी, यस आई एम कन्विंस। एंड एक मिलियनेयर की सोच है, लेकिन हम आजकल, मैंने बहुत जगह ऐसे देखा है, मेरे साथ खुद भी ऐसे किस्से हुए हैं, वाकई हुए हैं, गुरुजी की भगवद गीता या जो भी कोई अगर स्पिरिचुअल बुक है, जो भी अगर कोई ऐसी धार्मिक ग्रंथ है, उनको लोग आजकल नहीं मानते हैं। लोग कहते हैं कि इनसे हम क्या लाइफ में सीखेंगे। इनफैक्ट वो मोटिवेशनल कोट्स ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, जो कि खुद एक इंसान ने लिखे हैं, वो ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब ये कभी नहीं मानते, वो ये कभी तार्किक ही नहीं मानते हैं। तो उनके लिए मैं चाहूंगी आप थोड़ा ज्ञान दें। मैंने उनके पास मैंने चीज़ ऐसी बहुत फेमस जो किताब है स्टीफन कवी की, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, इट्स वेरी फेमस बुक। हर वो व्यक्ति जो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ता है उसने ये बुक तो पढ़ी होगी, एटलीस्ट नाम तो उसका जरूर सुना होगा। इफ़ लेटर ऑन ही आल्सो केम अप विद द 8th habit, 7 habits ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एंड देन 8th habit। सो स्टीफन कवी कहते हैं, आई हैव टेकन ऑल दीज आइडियाज बीइंग इंस्पायर्ड फ्रॉम भगवद गीता। तो जो जितने मोटिवेशनल गुरुज हैं, चाहे स्टीफन कवी हो, डेल कार्नेगी हो, they are taking inspiration from the books I Bhagavad Gita. लेकिन हमको डेल कार्नेगी के और स्टीवन कवी के कोर्स अच्छे लगेंगे, नो डाउट, पर उन्होंने इंस्पिरेशन कहां से ली? भगवद गीता से। आपने विक्रम साराभाई का नाम सुना? यस, ही वाज द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। सो एक समय विक्रम साराभाई, ही वाज सेलेक्टेड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो एक व्यक्ति आया वहां पे अप्लाई करने के लिए, तो उसने देखा ये बैठे हुए और गीता पढ़ रहे हैं। उसने कहा भाई साहब, लगता है जॉब अप्लाई करने के लिए आए हो, लेकिन आप गीता पढ़ रहे हो, इतनी हाइपर साइंटिफिक जगह पर आए हो आप, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और आप यहाँ पर गीता पढ़ रहे हो आप, क्या अभी? तो तभी व्यक्ति आया, उसने इनको सैल्यूट किया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर आप? तो उस व्यक्ति ने बताया, ये विक्रम साराभाई है, विक्रम साराभाई है, और आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, द फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इज रीडिंग भगवद गीता, ओह माय गॉड, हाउ कम सर? तो विक्रम साराभाई ने कहा, यू नो व्हाई आई एम विक्रम साराभाई, बिकॉज आई फॉलो द टीचिंग्स ऑफ द भगवद गीता। सो ग्रेट पीपल आर विक्रम साराभाई, दे आर फॉलोइंग भगवद गीता, स्टीफन कवी, दे आर फॉलोइंग भगवद गीता। एक हम इंडियंस हैं भोलू राम, जो कि हमारी खुद की भगवद गीता को एप्रिशिएट करते हैं। वी हैड वन कॉन्टेस्ट, गीता सार कॉन्टेस्ट, उसमें एक मुस्लिम लड़की जीती थी, तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला। तो उसको बोला गया, बेटा आप आके बोलोगे माइक पे कुछ दो शब्द? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल बोलूंगी। तो उसने बोला कि ना मैंने हालांकि कॉन्टेस्ट के लिए ये जो भगवद गीता थी पढ़नी शुरू की, बट आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाई दी होल कॉन्टेक्स्ट, जिस तरह से ये चल रहा है, ये इसका कॉन्टेंट इतना रिच है इसका, इट्स अमेजिंग। और मैं देखती हूँ कि हम मुसलमानों में सबके पास हमारी कुरान है, हम लोग अपनी कुरान में पर्सनल कॉपी रखते हैं, पर मुझे देखिए बड़ा दुख होता है कि ना हिंदूज में हर एक व्यक्ति के पास भगवद गीता नहीं है, जबकि ये तो मास्टरपीस है। मैंने इसको पढ़ा, आई वाज सो इंप्रेस्ड बाय दिस एंटायर कंटेंट ऑफ द भगवद गीता, पर मुझे देखिए बहुत दुख होता है कि जितने हिंदू लोग हैं ये लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी दैट एवरीवन शुड रीड भगवद गीता। आई हैड एन अमेजिंग एडवेंचर, ट्रांसेंडेंटल एडवेंचर व्हाइल रीडिंग द भगवद गीता, इवन दो आई स्टार्टेड ऑफ जस्ट टू रीड एज अ मैटर ऑफ कॉन्टेस्ट, बट दिस वॉज अमेजिंग। तो ये रिव्यूज देखे लगता है कि ना इसका कॉन्टेंट इतना रिच है, तो हम लोग भला कहाँ पड़े हुए पीछे पड़े हुए। हमने विवेक बिंद्रा जी का नाम सुना होगा, इज एशियाज नंबर 1 लीडरशिप कोच, एंड ही सेज मैं तो देखिए चोर हूँ, मैं चुराता हूँ भगवद गीता में से सब कुछ चुराता हूँ। सो ही टेक आउट ऑल दीज वंडरफुल कॉन्टेंट्स एंड ही कस्टमाइज देम एज पर आवर नीड, बट ही इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द भगवद गीता।
सो दैट इज भगवद गीता इज रियली समथिंग अमेजिंग है ना. और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी का कहना है इससे बेहतर गिफ्ट मेरे पास नहीं है दुनिया को देने के लिए और इससे बेहतर गिफ्ट नहीं है दुनिया के पास लेने के लिए. सो दैट इज इट इज वेरी वेरी ग्लोरियस बुक. गुरु जी धर्म की बात आई तो आजकल आप देख रहे हैं वैश्विक स्तर पर काफी ज्यादा मतभेद चल रहे हैं, काफी ज्यादा परेशानियां चल रही हैं. तो हम कैसे धर्म से धर्म की क्योंकि कारण तो धर्म ही है देखा जाए तो कैसे हम धर्म की मदद लेकर इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर सकते हैं. एक्चुअली वैसे तो है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. वैसे तो मजहब की वजह से ये बैर नहीं है वास्तव में ये, लेकिन बैर क्यों है लेकिन धर्म के नाम पे देखने को मिलते हैं. असल में दोस्त वर हंग्री फॉर पावर, जो चाहते हैं बस मेरा धर्म पूरी दुनिया फैल जाए. ये जो मटेरियलिस्टिक एम्बिशन है हमारी इसकी वजह से कला कलेश है, अदरवाइज धर्म की वजह से कोई कला कलेश नहीं है. जैसे एक समय क्या हुआ, एक व्यक्ति था हमारे एक बार सीज नाउ इज अ लीडर इन आवर हरिक्षा मूवमेंट एंड ही मेट टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों ने मिला, एक था हिंदू एक था मुसलमान था. और दोनों से मिले, दोनों ने कहा कि आप दोनों इतने अच्छे दोस्त क्यों, क्योंकि ना हिंदू मुसलमान तो ये तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं पर आप दोनों जो है बहुत ही अच्छे दोस्त हैं. हाँ गुम आप इतने अच्छे दोस्त कैसे हैं. तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ना जो कुत्ता होता है ना अपने मालिक को हमेशा पहचान लेता है. कुत्ता अगर कुत्ते का मालिक अगर आए रीड एंड टेलर में तो पहचान लेगा कुत्ता तो मालिक को पहचान लेता है. अगर मालिक आए रीड एंड टेलर में पहचान लेगा. अच्छा मार्क्स एंड स्पेंसर में आए तो पहचान लेगा. पठानी सूट में आए तो पहचान लेगा. धोती कुर्ता में आए तो पहचान लेगा. अगर स्विमिंग सूट में आए तो पहचान लेगा. बिना कपड़ों के आए तो पहचान है. कुत्ता जो है मालिक को हमेशा पहचान लेता है. लेकिन हम लोग ना उस एक मालिक को नहीं पहचान पा रहे जो कि एक ही मालिक है हम सबका. लेकिन हम नहीं पहचान पा रहे उसको जो कि अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से आता है, अलग अलग तरह से पूजा जाता है. लेकिन है वो एक ही मालिक, लेकिन हम उस एक मालिक को नहीं पहचान पाते. तो हम कुत्ते से भी ज्यादा गए गुजरे हैं असल में. कुत्ता ही मालिक को पहचान रहा है, लेकिन हम लोग कैसे कुत्ते हैं जो कि अपने एक मालिक को पहचान नहीं पा रहे और लगे हुए कि नहीं मेरा खुदा नहीं मेरा ईश्वर. लेकिन वो तो एक ही है, सूरज एक ही है. जो पाकिस्तानी बोले आ रहे तो पाकिस्तानी सूरज, पाकिस्तानी ऊपर चमकने वाला क्या होगा, पाकिस्तानी सूरज. और इंडियन बोले नहीं ये तो हिंदुस्तानी सूरज है. जापानीज बोले नहीं तो जापानी सूरज है, नहीं तो रशियन सूरज है, नहीं तो अफ्रीकन सूरज है. ये अफ्रीकन है, रशियन है, जापानीज है, चाइनीज है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, इन सबके परे है ना राइट. सूरज भी रोशनी सबको देता है. उस तरह से जो खुदा है भगवान है वो सबको अपनी कृपा दे रहा है. लेकिन हम लोग लड़ झगड़ रहे हैं बिकॉज हमने कुछ बाउंड्रीज बांटी हुई है एंड देन वी आर फाइटिंग ऑन द नेम ऑफ रिलीजन. बट फैशनी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रहना. देयर वाज वन हिंदू गाय, ही एंटर्ड वन तालिबानी टेरिटरी. तो तालिबानी गाय तो हिंदू है कि मुसलमान, तो उसने बोला मैं तो मुसलमान हूँ. कहते अच्छा सुना कुरान की आया सुना, तो इसने सुना दी सर धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. ये भगवद गीता का श्लोक है. तो उसने कहा ठीक है जा, तो छोड़ दिया उसे जाने दिया. तो उसके दोस्त ने कहा अबे उसने कुरान की आयत बोली थी और तूने गीता का श्लोक सुना दिया और वो भी लल्लू लाल, छोड़ दिया उसने तेरे को. तो उसने बोला अगर इसने कभी कुरान पढ़ी होती तो आज उग्रवाद ही नहीं होता. सो एक्चुअली इट इज नॉट रिलीजन व्हिच इज कॉजिंग वॉर, इट इज माय ओन लस्ट फॉर पावर व्हिच इज ब्रिंगिंग वॉर. तो ये जो धर्म है इसी वजह से वॉर नहीं है. ये मटेरियलिस्टिक लोगों के अपने खुद के आइडियाज हैं, नकाब है धर्म का बस नकाब. तो हमें लगता है धर्म के नाम पे आपस में मतभेद है, मनभेद है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है. हमारे एक लाइव दर्शक हैं कैस्टर ट्रॉय, पूछ रहे हैं कि अपने थॉट्स में कैसे हम पवित्रता लाएं, प्योरीफाई कैसे करें. देखिए जो अल्टीमेटली डेटा का इनपुट होना बड़ा जरूरी है. डेटा में इनपुट कैसा है, जैसे अभी लैपटॉप अगर है, लैपटॉप के अंदर अगर आपने वायरस डाल दिए तो क्या प्रोसेस होगा, इसके अंदर गड़बड़ा जाएगा वायरस, दैट्स इट राइट. तो फिर आपको एंटीवायरस रन करना पड़ेगा. तो जैसा डेटा होगा प्रोसेसर में वही डेटा आएगा. तो हमें अच्छा डेटा लेना चाहिए. अच्छा डेटा जो है बेसिकली इन बुक्स में, स्क्रिप्चर जो बुक्स हैं, मैं नो डाउट देयर मेनी अदर गुड गुड बुक्स आल्सो, मोटिवेशनल बुक्स हैं, इंस्पिरेशनल बुक्स हैं, पर अभी जो बेस्ट बुक्स हैं वो स्क्रिप्चुरल बुक्स हैं. तो अच्छा डेटा जब रहेगा तो अच्छी प्रोसेसिंग होगी और अच्छे शब्द ही मुंह से निकलेंगे. जब गंदा डेटा होगा तो गंदी प्रोसेसिंग रहेगी और मुंह से गंदे शब्द ही निकलेंगे. तो हमारी वोकैबुलरी उन्हीं समझते हैं हम किस तरह के शब्दों का चयन करते हैं, किस तरह के शब्दों को सुनते हैं वहां से. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो इनपुट डेटा के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा. कई कंप्लेंट्स ऐसी भी आई हैं गुरुजी, लोगों ने बताया है, ऐसा कहा है. इनफैक्ट कई बार मेरे साथ भी होता है कि आप कोई बुरा या दुष्ट इंसान है आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप उसको रिएक्ट ही मत करो, लेकिन वो तभी भी आपके साथ बुरा कर रहा है. तो हमको कैसे अपनी थॉट प्रोसेस रखनी चाहिए कि जैसे को तैसा या इसे माफ कर दो भाई आगे बढ़ो. और जैसे को तैसा क्या होता है, जैसे को तैसा, तैसे को फिर जैसा, जैसे को फिर तैसा, तैसे को जैसा, चलता रहता है. और फिर हम ये जो मैट्रिक्स है ना, जैसे को तैसा, तैसे को जैसा, जैसे को तैसा, फिर इसके मैट्रिक्स में हम लोग उलझ के फंस जाएंगे एंड बिकम्स मोर एंड मोर डीप एंड मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड. अल्टीमेटली समटाइम्स पीपल इवन किल ईच अदर.
जैसे को तैसा करते करते कहते कोई नहीं बेटा, जब नहले पे दहला है तो दहले पे फिर नौकर, नौकर फिर क्वीन, क्वीन की फिर बादशाह, ये करना होता है ऐसे। तो नहले पे जो दहला मारने का ये जो भावना है अल्टीमेटली इट लीड्स टू मोर कॉम्प्लिकेशंस इन लाइफ। सो देयर आर फ्यू थिंग्स वी हैव टू ट्रांसेंड देम, ट्रांसेंड देम इन द सेंस मूव ऑन इन लाइफ। दिस इज नॉट द लास्ट पर्सन इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ करने को है, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे लोग ऑलरेडी हैं जिन जहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी कॉन्शियसनेस को। ये लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे लाइक दैट। तो हमें लोगों में उलझना नहीं है, स्पेशली दोज हु आर गोइंग टू बी बस नेगेटिव एनर्जी, दे आर नॉट द ओनली, दे आर नॉट द हार्ट ऑफ लाइफ, दे आर जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ है जी। हार्ट ऑफ लाइफ तो भगवान होंगे अच्छे जो मेरी लाइफ में है, मेरे वेल विशर्स हैं, दे आर द हार्ट ऑफ माई लाइफ, दिस पर्सन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, मूव ऑन मैन। करियर की अगर हम बात करें गुरु जी, कई बार हमको अपने, हमने जो भी हमें टारगेट्स या गोल्स बनाए होते हैं उनको अचीव करने के लिए, कई लोगों का होता है ऐसा कि मेरा ये क्राइटेरिया है, कई लोगों को उनका वो क्राइटेरिया गलत लगता है, उनको लगता है नहीं ये सही नहीं कर रहा है, तो हम कैसे पहचानें कि मेरा जो क्राइटेरिया है आगे बढ़ने का क्या वो वाकई सही है या मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ? एक्चुअली जहाँ हम बढ़ना चाह रहे हैं ठीक है, और जो हम पाना चाह रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो कि ऑलरेडी इसको पा चुके हैं ठीक है, तो हमें उन लोगों से पूछना चाहिए कि जो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं उनको ऑब्जर्व करना चाहिए क्या वो खुश हैं। अगर वो खुद भी दुखियारी आत्मा है तो यानी कि मैं भी अल्टीमेटली वही बनने वाला हूँ जो कि आज वो हो गए हैं। अगर आज भी मान लो किसी कंपनी का बहुत सीनियर पोस्ट पर आज हो गया लेकिन यही लगा होता है वो सिगरेट फूक रहा है, वैसे दारू पी रहा है, चुगलियाँ कर रहा है, बुराइयाँ कर रहा है, मर रहा है, पिट रहा है, पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो मुझे सोचना चाहिए अच्छा मेरे जीवन का लक्ष्य अगर यही है कि मेरे को वहाँ पहुँचना है, पर वहाँ पहुँच के तो आदमी का यही हाल हो रहा है, तो मुझे लाइफ में ऐसे चाहिए क्या, तो मुझे अपने आप से पूछना चाहिए। तो इसे असल में जीवन में सफलता क्या हमें समझना है, और वो ये है दैट वेदर आई एम हैप्पी और नॉट, आई हैव सीन पीपल हु हैव एवरीथिंग, पावर, पोस्ट, पोजीशन, ब्यूटी, एवरीथिंग, पर एक चीज उनके पास नहीं है, खुशी। खुशी बिल्कुल। और ऐसे लोग भी हैं ना, उनके पास पावर है, ना पोस्ट है, ना पोजीशन है, ना नेम है, ना फेम है, कुछ भी नहीं उनके पास, लेकिन एक चीज है खुशी। और जीवन में हमें एक्चुअली चाहिए क्या, शास्त्रों में लिखा है 40,000 बिच्छू एक साथ काटे ना उतना दर्द होता है, जस्ट इमेजिन यू आर लाइंग डाउन 40,000 स्कॉर्पियंस ऑन माय गट्स एंड गो, इतना दर्द होता है मरते वक्त। कहता है प्रभु जी अभी ना मुझको 80,000 बच्चों काट रहे हैं, मैं जाऊंगा तो 40,000 में आ जाऊंगा ना। So even if, yes, तो जिंदगी जब इतनी पेनफुल जाती है तो व्यक्ति फिर डेथ को देखता है कि ना मृत्यु भी अच्छी है, ये अच्छी है, जिंदगी इतनी बोझिल हो चुकी है मैं नहीं जी सकता, मैं मर जाऊं। So even people commit suicide, the goal is to be happy. गुरु जी लाइव दर्शक जुड़े युवराज राजपूत, उन्होंने ये पूछा है कि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, उनकी केयर करते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में जगह नहीं बना पाते हैं। एक्चुअली हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, ये दिक्कत है एक्चुअली इनके साथ, हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ना जब हम किसी का ध्यान रखें तो फिर ना फिर वो एकदम से हमारा बहुत प्रिय हो जाए, हम उससे बहुत प्रिय हो जाए, हमें इस एक्सपेक्टेशन के साथ सेवा नहीं करनी होती किसी की, हो सकता है हम किसी की सेवा करें एज अ वेलविशर, पर ये उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो हमें इतनी इंपॉर्टेंस देता है कि नहीं देता, या फिर हमें वो पोजिशन देता है कि नहीं देता। सो सामने वाले की फ्री विल, सामने वाले का स्पेस भी कोई चीज़ होती है, राइट? Somebody has chosen to give that special place to somebody else. You should be ready. ठीक है जी, आई डिड सर्विस टू यू, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, जहाँ एक्सपेक्टेशंस हैं कंडीशन अप्लाई, वहाँ तो जी दिक्कत जाएगी जाएगी। देखो माँ जो है बच्चे के साथ जो सेवा करती है, माँ और बच्चे में सबसे कम दिक्कत है, इसलिए रीजन भी माँ की ना एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट जीरो होती है, एकदम जीरो तो नहीं होती, लेकिन कहते हैं जी हम तो बस चाहते हैं बच्चा हमारा कुछ बन जाए, थोड़ी एक्सपेक्टेशन रहती है क्योंकि बुढ़ापे हमारे लाठी बने, पर लेकिन ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होती। इससे देखिए माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे प्यारा है दुनिया के अंदर, रीजन भी उसके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हस्बैंड वाइफ में देखिए बहुत एक्सपेक्टेशन अगर आ जाती हैं, अगर आप लेट आ रहे हो, आपने मैसेज क्यों नहीं किया, आपने कॉल क्यों नहीं किया, आप उससे बात क्यों कर रहे थे, कितनी बात की थी, क्या बात की थी, उसने उसने फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आपको भेजा, आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन आपने मेरे को तो बताया नहीं, दिस एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन, तो इसमें क्या होने वाले हैं, कला कलेश होने वाले हैं जी, फॉर श्योर। सेवा का मतलब एक्सपेक्टेशन कि भगवान और भक्तों का रिश्ता इतना सुंदर क्यों है, भगवान को भक्तों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, भक्तों की भगवान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कहते बस सर आई लव यू, भगवान कहता है आई लव यू टू, कहता है आई लव यू थ्री, आई लव यू फोर, बस ये लाइफ इनका यही है।
That is its most sweet relationship between God and the devotee. And मुझे लगता है कि हम तब भी नहीं जुड़ पाते भगवान से जब हम अपनी कोई प्रार्थना लेके जाते हैं कि हमें ये दे दो भगवान, हमें ये दे दो, तब हम वो कनेक्शन नहीं बना पाते हैं भगवान से. लेकिन अगर हम निस्वार्थ जाएंगे तो जरूर हम एक कनेक्शन बना पाएंगे. और अगर आप कुछ मांगे भी ना तो उसके बाद ये क्लॉज आते हैं, यदि आपकी इच्छा हो तो दे दो. यदि आपकी ये क्लॉज जरूर बड़ा जरूरी है. गुरु जी समय की थोड़ी कमी है, बस मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगी. तीन चीजें आप ऐसी बताइए जिनसे जो हमारे दर्शक हैं जो सभी इस फेसबुक लाइव को देख रहे हैं या इसके बाद देखेंगे लाइव के बाद, तो गुरु जी तीन ऐसी चीजें बताइए जिनसे हम जीवन को और ज्यादा सुखमय बना सकें और जैसा कि आपने खुशी की बात करी थी तो हम हमेशा खुश रह सकें. मैं तीन चीजें बताऊंगा. तीन चीजें हैं ए बी सी. ठीक है जी. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट. दैट्स इट. ओ अरे क्या हो गया. ठीक है. ए बी सी ये है. ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यानी कि भगवान के भक्तों का हमें नियमित रूप से संग करना चाहिए. फ्रॉम दिस सेंटली एसोसिएशन, दो जो कि वाकई भक्त हैं. ठीक है. बाबा राम रहीम जैसे भक्त नहीं, असली वाले, असली जो है जो भक्त हैं संत हैं, ऐसे लोगों का हमें संग करना चाहिए वास्तव में. और इस संगति से हमारे अंदर वैल्यूज आएंगे, कंपैशन आएगा, काइंडनेस आएगी, फॉरगिवनेस आएगी. ऑल गुड क्वालिटीज कम बाय गुड एसोसिएशन. ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज. बी फॉर बुक्स लाइक भगवद्गीता, हमें ये पढ़नी चाहिए नियमित रूप से. और इट कैन बी बाइबल, इट कैन बी कुरान ऑल्सो. सो बी फॉर होली बुक्स, बुक्स लाइक भगवद्गीता एक्सेट्रा. एंड सी फॉर चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ गॉड, जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो सी फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. तो ये ए बी सी फॉलो करना है. ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी फॉर बुक्स लाइक भगवद्गीता, सी फॉर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, एंड डी फॉर डाइट ऑफ कृष्ण प्रसादम. प्रसाद ही अच्छा रहता है, सो दैट इज वी शुड हैव प्रसादम ऑल्सो. तो ये आप ए बी सी डी फॉलो करिए लाइफ में, आपको लाइफ का एक्स वाई जेड प्राप्त हो जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमारे साथ इस फेसबुक लाइव की इतनी शानदार चर्चा में जुड़ने के लिए. तो एबीसीडी आप फॉलो करिए और जिंदगी में हमेशा खुश रहिए, क्योंकि अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है, आपको अपने पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो खुश रहना बहुत जरूरी है. धन्यवाद आप सभी का इस लाइव में जुड़ने के लिए.